आधा घंटे हुए कच्ची नाशपाती के साबुत चावल एंड ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। तो इसके लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। बीफ 1 किलो, हड्डी वाला लेना है, तो इसमें हम 4 से 5 लहसुन के जवे शामिल कर देंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 अदद हरी मिर्चें और 2 छोटी प्याज मोटी मोटी कट की हुई, ये शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया 1.5 टेबल स्पून, सौंफ 1.5 टेबल स्पून, 2 अदद दालचीनी बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें, 1 प्लेट जावत्री का और छोटा सा पीस जायफल का, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बादियान का फूल। वन टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नौ कप पानी शामिल करेंगे। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे कवर कर देंगे, सीटी लगाएंगे और प्रेशर आने के बाद इसे 15 मिनट पका लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम खोल लेंगे। तो गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसमें से हम गोश्त को अलग कर लेंगे। पकाए यखनी को हम छान लेंगे, गोश्त को अलग कर लिया। तो अब मसाला भूनने की तरफ आते हैं। 1 कप घी शामिल कर देंगे, 200 ग्राम घी है ये। घी गर्म हो चुका है, इसमें 1 बड़े साइज की प्याज शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें से हम आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लेंगे जो बाद में काम लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम टमाटर शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे। 1 टीस्पून जीरा और 10 से 15 काली मिर्चें शामिल कर दें। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 लौंग और 5-6 छोटी इलायची शामिल कर दें। अच्छे से इनको भून लें 1 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 5 से 6 हरी मिर्च, अदरक लहसुन भूनने के बाद 5 से 6 हरी मिर्चें इनका पेस्ट बना लिया, ये शामिल कर दें। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ये शामिल कर दें। जो गोश्त हमने अलहदा किया था इसे हम डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे साथ। दो सौ 50 ग्राम दही शामिल कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम यखनी शामिल करेंगे जो हमने छान कर रखी थी। ये नापी हुई यखनी है, 8 कप डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। दो टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने पहले शामिल किया था यखनी में। अब उबाल आने के बाद इसे चेक कर लेंगे। मिक्स कर दिए अच्छे से और उबाल आने दें। 1/2 घंटा कच्ची बनस्पति के चावल, इन्हें हमने भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल के हम इसे शामिल कर रहे हैं। तो हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दें। दो टेबलस्पून इमली, इसे हमने पानी में भिगो दिया था, इसका पल्प शामिल कर देंगे। 1 ढक्कर पकाएंगे पानी खुश्क होने तक हाई फ्लेम पर।
हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर दिया है। जो हमने प्याज बचाई थी ये छिड़क देंगे। इसका फ्लेवर जो है इससे बहुत अच्छा आएगा। एक नींबू का रस इसे छिड़क देंगे और इस तरह एक शॉपर की मदद से इसे हम कवर कर देंगे। दम पर रख देंगे 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। हमने ऑफ कर दिया है तो इसे देखते हैं। ये बैग हटा देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी पुलाव तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं। एक एक दाना खिला हुआ है, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।